रेखा जैन द प्योर सोल ग्रुप पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क के साथ नए वर्ष पर कुछ रिचुअल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। उन रिचुअल्स और टिप्स में 5 तत्वों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जब हमारे शरीर में ये पांच तत्व अर्थात आकाश, जल, वायु, भूमि और अग्नि, हमारे शरीर में जब ये 5 तत्व बैलेंस रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो इसका जो बैलेंस रहने का फायदा हमारे शरीर में होता है वो हमको बाहर नजर आता है। हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हमारा द प्योर सोल ग्रुप सालों से इन 5 तत्वों पर काम कर रहा है जिसकी सफलता हमको नजर आ रही है। तो क्यों ना हम इस नए वर्ष में हम सभी आज से ही इन 5 तत्वों पर अपना शरीर की शक्ति बढ़ाने का काम करें। और सबसे पहले हम पहला तत्व आकाश के ऊपर कुछ बातें करेंगे। हमारा पहला तत्व आकाश, आकाश का मतलब होता है विस्तार। विस्तार अच्छी सोच का, अच्छे संकल्पों का, सकारात्मक ऊर्जा का। हमें इस तत्व को बैलेंस करने के लिए ओम का जाप करना है। ओम का अर्थ होता है ब्रह्मनाद की शक्ति, और ओम का जाप करने से ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक सोच आपकी ओर आकर्षित होती है। ओम का जाप किस तरह से करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सीधे बैठ करके एक लंबी सांस खींचकर ओम का जाप शुरू करें। इस तरह आप आकाश, जो हमारा पहला तत्व है, उसको बैलेंस करें और नए साल की शुरुआत ओम के जाप से करें। हम अपने दूसरे तत्व जल के ऊपर चर्चा करें। जैसा कि कहा जाता है, जल ही जीवन है। वास्तव में जल ही जीवन है। पानी के बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता, पर पानी की या जल की अधिकता और जल की कमी दोनों ही नुकसानदायक होती है। तो हमारे शरीर में जल तत्व को बैलेंस रखने के लिए हम अपने घर में एक फिश बॉल या एक्वेरियम या फिर एक तांबे का कछुआ एक प्लेट में रख सकते हैं, धातु की प्लेट में रख सकते हैं। पर याद रहे, इस पानी को प्रतिदिन बदलें और अपने शरीर में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल को बैलेंस रखें। हमारा तीसरा तत्व है वायु। वायु मतलब होता है गतिशीलता, और गतिशीलता हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है ये वायु तत्व के द्वारा हम आपको बताने देंगे। जैसे वायु में अर्थात हवा में ही प्राण बसे हुए हैं, तो वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए सबसे मासूम तरीका है बच्चों के साथ आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। हम अपने बच्चों के साथ आउटडोर एक्टिविटी में क्रिकेट, बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, कबड्डी, बहुत सारे खेल खेल सकते हैं जिसमें हम पूरी तरह से गतिशील होते हैं। तो नए साल की शुरुआत हम अपने बच्चों के साथ आउटडोर या इंडोर एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं, तो आप अपने आसपास के गार्डन में खेल रहे हुए बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के सामान गिफ्ट करके, जैसे क्रिकेट किट, बैडमिंटन किट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल देकर कर सकते हैं और उनके साथ इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने नए साल की शुरुआत वायु तत्व को बैलेंस करते हुए करेंगे। इससे दो फायदे होंगे, हमारी पार्टी की पार्टी होगी और बच्चों के साथ हमारी जब एनर्जी जुड़ेगी तो हमारे अंदर की नकारात्मक सोच खत्म होगी और हम बहुत अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अब हम अपने चौथे तत्व अर्थात अग्नि की बात। अग्नि अगर नियंत्रित रहती है तो हम घर में खाना बनाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, और यही अग्नि अनियंत्रित हो जाती है तो सारी चीजें भस्म भी हो सकती है।
अग्नि का प्रतीक है लाल रंग, तो पहली जनवरी 2020 में हम लाल रंग जरूर धारण करें। और लाल रंग मूलाधार का चक्र का भी रंग है और मूलाधार ही हमारे जीवन का आधार है। मूलाधार चक्र से ही हमारे जीवन में खुशियाँ, पॉजिटिविटी, ऊर्जा, सब कुछ हमारे मूलाधार चक्र से ही जुड़ी हुई है। हमारा आखिरी तत्व है भूमि, भूमि अर्थात धरती, और धरती से जुड़े रहने के लिए हमें हरियाली से जुड़ना होगा और अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना होगा। और 1 जनवरी के दिन हमारे नए साल की शुरुआत हम तुलसी का पौधा लगाकर करेंगे। तुलसी के पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तुलसी के पौधे में सबसे अच्छी विशेषता होती है कि ये रात में भी हमको ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है और हम तुलसी के पेड़ की पूजा भी करते हैं। तो 1 जनवरी को अगर हम किसी को उपहार भी देना चाहें तो उपहार के रूप में तुलसी का पौधा दें और अपने घर में भी तुलसी का पेड़। मैं आशा करती हूँ कि प्योर सोल ग्रुप की 5 तत्वों पर दी गई टिप्स आपने ध्यान से सुनी होंगी और आप अपने नए साल की शुरुआत इन टिप्स को फॉलो करते हुए करेंगे। ऐसी ही पॉजिटिव बातों के साथ हम पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क पर फिर मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।